Hello students, welcome back. Today we'll discuss about airways, pharyngeal airways. आज का हमारा टॉपिक है pharyngeal airways. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एयरवे क्या होती है, आर्टिफिशियल एयरवे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्लियर पैसेज मेंटेन करने के लिए, क्लियर पैसेज प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन ऑरोफेरिंजियल एंड लैरिंजोट्रैकल स्ट्रक्चर्स. तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं जो क्लियर पैसेज मेंटेन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एयरवे डिवाइसेस. इन्हीं आर्टिफिशियल एयरवे डिवाइसेस में, एयरवेज में, एक टाइप होता है फेरेंजियल एयरवेज. फेरेंजियल एयरवेज ये भी एक पैसेज क्रिएट करते हैं बिटवीन टंग एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, जब भी हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे थ्रू माउथ और थ्रू नोज. तो बेसिकली एयरवेज के दो टाइप्स होते हैं, तो इसमें एक होता है ऑरोफेरिंजियल, दूसरा होता है नेजो फेरिंजियल एयरवेज. तो एयरवेज, अगर हम सबसे पहले एयरवेज की बात करेंगे, एयरवेज तीन टाइप्स में, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है. एक होती है फेरिंजियल एयरवेज. फेरिंजियल एयरवेज फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ऑरोफेरिंजियल एयरवेज एंड नेजोफेरिंजियल एयरवेज. तो एयरवेज का दूसरा टाइप जो है, दैट इज सुप्राग्लॉटिक एयरवेज, LMA, प्रोसील LMA, फास्ट्रैक LMA, लेरिंजल मास्क एयरवेज, उनको हम कहते हैं सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस, एयरवेज. और तीसरा टाइप जो है एयरवेज का, वो है आर्टिफिशियल एयरवेज का इंट्राट्रैकियल एयरवेज, जो कि हम ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं, जिसमें आता है एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियास्टोमी ट्यूब्स. तो इन्हीं एयरवेज में एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फेरिंजियल एयरवेज. फेरिंजियल एयरवेज डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए हम एक पैसेज क्रिएट करते हैं बिटवीन टंग एंड पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल. तो ये फेरिंजियल एयरवेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है ऑरोफेरिंजियल, दूसरी होती है नेजो फेरिंजियल. तो ऑरोफेरिंजियल एयरवेज की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मेन एम होता है, दैट इज टू प्रिवेंट द टंग फॉल प्रिवेंट करना. क्योंकि टंग फॉल जो है, ये एक मेन रीज़न होता है, टंग फॉल जो होता है मेन रीज़न होता है एयरवे ओबस्ट्रक्शन का, एक कॉमन रीज़न होता है एयरवे ओबस्ट्रक्शन का, जिससे एयरवे जो होती है वो ओबस्ट्रक्ट होती है. तो ऑरोफेरिंजियल एयरवेज में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ मेटल के बने होते हैं जैसे कि वाटर्स एयरवे, और कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसमें ग्यूडल्स एयरवे कॉमनली यूज एयरवे जो होती है वो है ग्यूडल्स एयरवे, प्लास्टिक के बनी होते हैं, और कुछ और जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, विलियम्स एयरवे, कॉर्नेल्स एयरवे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरवेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ बने होते हैं मेटल के, कुछ प्लास्टिक के, लेकिन इनमें कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्यूडल्स एयरवे. मेटल हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे सॉफ्ट टिश्यू या टीथ डैमेज ज़्यादा होता है. अब जब भी हमको एयरवे यूज़ करनी होगी, एयरवे हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स विदाउट गैग रिफ्लेक्सेस होंगे, ठीक है, या पेशेंट अनकॉन्शियस होगा या जिनमें टंग फॉल हो रहा है, एयरवे ब्लॉक हो रही है, तो उनमें हम ये एयरवेज, ऑरोफेरिंजियल एयरवेज यूज़ करते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस किन पेशेंट्स में नहीं करनी चाहिए, जो पेशेंट्स रेस्पॉन्सिव होंगे उनमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और पेशेंट्स जिनमें गैग रिफ्लेक्सेस होंगे तो उनमें भी यूज़ नहीं करना चाहिए. तो प्रॉपर साइज़, जब भी हम डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होते हैं एयरवेज़ के, तो कौन सा साइज़ हमें चूज़ करना है, वो कैसे मेजर करते हैं, माउथ का जो कॉर्नर होता है, पेशेंट के माउथ का कॉर्नर, वहाँ से लेकर जा का जो एंगल होता है वहाँ तक आप मेजर करोगे, या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहेंगे एले नेजे जो होता है वहाँ से लेकर ट्रैग्स ऑफ एयर जो होता है वहाँ तक मेजर करना होता है, तो दैट इज़ द करेक्ट साइज़. वो करेक्ट साइज़ होता है, वही साइज़ हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर ज़्यादा हम लेंथ से ज़्यादा लार्जर साइज़ यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो एपिग्लॉट्स को पुश करेगा ग्लॉट्स में, तो उससे भी ओबस्ट्रक्शन हो सकती है. अगर ज़्यादा शॉर्ट यूज़ करेंगे तो वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो भी सेपरेट नहीं करेगा टंग और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को,
तो उससे भी ओबस्ट्रक्शन हो सकती है। तो अप्रोप्रिएट साइज हमेशा यूज करना चाहिए, करेक्ट साइज हमेशा यूज करना चाहिए। जब भी आप कोई भी ग्यूडल एयर वे यूज करनी होगी तो आप क्या करोगे, पहले इसको मेजर करोगे, पेशेंट का जो माउथ का कॉर्नर होता है वहां से लेकर जा का जो एंगल होता है वहां तक मेजर करना होता है एयर वे को, या एल नेजे से लेकर ट्रैक्स ऑफ एयर तक मेजर करना होता है डिस्टेंस, वही साइज एयर वे यूज करनी होती है। तो अब एयरवेज जो होती है, एयरवेज हर किसी ओरोफेरिंजल एयरवे के तीन पार्ट्स होते हैं, हर किसी ओरोफेरिंजल एयरवे के तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है फ्लैंज। फ्लैंज जो होता है ये वो एरिया होता है जो कि एयरवे को प्रिवेंट करता है स्लिप होने से, एयरवे स्लिप ना हो जाए ओरल कैविटी के अंदर, ये उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इस एरिया पे एयरवे को हम फिक्स करते हैं, वहीं पे हम एयरवे को फिक्स करते हैं। दूसरा, उसके बाहर फ्लैंज के साथ ही एक हार्ड पोर्शन होता है, स्ट्रेट पोर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं बाइट ब्लॉक या बाइट पोर्शन कहते हैं। ये टीथ के बीच में, बिटवीन द टीथ्स, ये दांतों के बीच में रहता है। अगर पेशेंट, इससे क्या हो जाएगा, ये पेशेंट को प्रिवेंट करता है बाइट करने से। अगर पेशेंट इसको बाइट करेगा, अगर ये पोर्शन सॉफ्ट होगा, एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, चैनल जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए ये पोर्शन हार्ड होता है जो कि बिटवीन द टीथ्स रहता है, ताकि अगर पेशेंट बाइट भी करेगा वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। अब तीसरा पोर्शन जो होता है उसके बाद, दैट इज कर्वड पोर्शन। कर्वड पोर्शन जो होता है वो टंग और ओरोफेरिंकस, उसका जो कर्वेचर होता है उसको कॉरस्पॉन्ड करता है, तो उसके बीच वही हम अंदर इंसर्ट करते हैं, जो कर्वड पोर्शन होता है, ठीक है। अब ग्यूडल्स एयरवे के डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं। अगर आप देखोगे, कुछ कहते हैं कि 6 साइज अवेलेबल होता है, कुछ कहते हैं 9 साइज। तो नाइन, यूजुअली 9 साइज अवेलेबल होते हैं। एक्चुअली 9 साइज जो अवेलेबल है वो है 000, 00, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 साइज हमारे पास अवेलेबल होते हैं ग्यूडल्स एयरवे के, ग्यूडल्स एयरवे के 6 साइज अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 000, 00, 1, 00, उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 9 साइज जो अवेलेबल होता है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ होती है वो होती है 30000 की होती है, 30000 की होती है, 40 mm, फिर 0 की होती है 50, 1 की होती है 60, अकॉर्डिंगली 70, 80, 90, 100 एंड 110 mm रेस्पेक्टिवली। 6 साइज जो ग्यूडोलस एयरवे होगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 110 mm। तो साइजेस 000 और 00 जो होते हैं ये हम प्री मैच्योर या फुल टर्म न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और साइजेस 0, 1, 2 जो होते हैं ये चिल्ड्रंस में हम यूज़ करते हैं, फिर साइजेस 3, 4, 5 जो कि ग्यूडल्स एयरवे के अवेलेबल होते हैं ये हम अडल्ट मेल्स या फीमेल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। अब साइज 6 जो होता है ये हम लार्ज मेल अडल्ट जो होते हैं, जेंट अडल्ट जो होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं 6 साइज, ठीक है। तो अब ये जो होती है ग्यूडल्स एयरवे, इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ऑरोफेरिंजियल एयरवे कैसे हम इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, ऑरोफेरिंजियल एयरवे जो होती है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो कैविटी होती है, कनकेव पोर्शन जो होता है ओरोफेरिंजियल एयरवे, तो वो कर्वड पोर्शन वो फेस करना चाहिए अपर इंसिजर्स की तरफ, अपर इंसिजर्स की तरफ वो फेस करना चाहिए। और जब आप ये इंसर्ट करोगे, एक बार इसका हाफ पोर्शन, कर्वड पोर्शन का हाफ अंदर इंसर्ट किया आपने ओरल कैविटी में, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट करो, 180 डिग्री रोटेट करो इनटू इट्स फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे उसको रोटेट करो। अब ओरोफेरिंजियल एयरवे जो होती है ये हम इंटिबेटेड पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं, अगर हमने अवेक इंटिबेशन की है, या लाइट प्लेन्स ऑफ एनेस्थीसिया या अवेक इंटिबेशन में
एवियक इंटीबेशन की है तो उस टाइम भी हम ओरोफेरिंजल एयरवेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या, इट एक्ट्स एज अ बाइट ब्लॉक, ये बाइट ब्लॉक एज एज बाइट ब्लॉक एक्ट करता है ताकि एंडोट्रैकियल ट्यूब को पेशेंट बाइट ना करे। तो इंसर्शन प्रोसीजर में आपको क्या करना है, एयर वे अपसाइड डाउन होनी चाहिए और इसको हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद जब आप इंसर्ट करोगे हाफ पोर्शन, जब आप अंदर इंसर्ट करोगे फिर उसके बाद 180 डिग्री इसको रोटेट करो, ठीक है। फिर फाइनल पोजीशन में आप इसको क्या करोगे, फाइनल पोजीशन में आप रखोगे इसको, जो कि फाइनल पोजीशन होती है। तो ये था एयरवेज के बारे में। तो एयरवेज में हमने सबसे पहले ओरोफेरिंजल एयरवेज डिस्कस की, नेजोफेरिंजल एयरवेज जो होती है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओरोफेरिंजल एयरवेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ होती है ग्यूडल्स एयरवे। तो इसमें डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। ओरोफेरिंजल एयरवे जब भी आप इंसर्ट करोगे सबसे पहले उसको करेक्ट साइज मेजर करना होता है। तो एले नेजर से लेकर ट्रैक्स ऑफ एयर तक आप एयरवे रखोगे, ग्यूडल्स एयरवे रखोगे, जो करेक्ट साइज मिलेगा आपको वही साइज यूज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी एयरवे, ज़्यादा लार्जर एयरवे अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो एपिग्लॉट्स को ग्लॉट्स में पुश करेगा। और ज़्यादा स्मॉल अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे भी सेपरेशन नहीं हो पाएगी टंग और पोस्टीरियर फेरिंजल वाल के बीच में, तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। और ओरोफेरिंजल एयरवेज के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, फ्लैंज, बाइट पोर्शन एंड कर्व्ड पोर्शन। 9 डिफरेंट साइजेस ग्यूडल एयरवे के अवेलेबल जो होते हैं वो होते हैं 000, 00, 01, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जो कि हम डिफरेंट पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एयरवेज का मेन एम होता है टंग फॉल प्रिवेंट करना और एयरवे मेंटेन करना। एयरवेज यूजुअली जिन पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स अनकॉन्शियस होंगे और जिनमें गैग रिफ्लेक्स नहीं होंगे उनमें यूज़ करना चाहिए, जिन पेशेंट्स, जो पेशेंट्स अवेक होंगे या गैग रिफ्लेक्स होंगे तो उनमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उनमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा टाइप जो है एयरवेज का, दैट इज़ नेजोफेरिंजल एयरवे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।